दोस्तों आईपीएल 2021 का बचा हुआ सीजन हम सभी को सितंबर और अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। बीसीसीआई ने दोस्तों इस बात की घोषणा कर दी है। तो गाइस आज भी यहां पे आईपीएल 2021 और आरसीबी की टीम की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट्स सामने निकल के आ रही है, जो कि गाइस मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। अब दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप सभी को क्रिकेट एनालिसिस करना पसंद है तो क्यों ना दोस्तों इस चीज़ का फायदा उठाया जाए और डाउनलोड किया जाए माई लाइव आंसर का ऐप, जहाँ पर दोस्तों आप अपनी क्रिकेट नॉलेज यूज कर ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो। इस ऐप में दोस्तों आप सभी को अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, और दोस्तों आप लोग पीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन, राशिद खान जैसे बड़े दिग्गज के साथ खेल सकते हो और ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। अगर दोस्तों आपने इस ऐप को अभी डाउनलोड किया तो आपको मिलेंगे 1500 रुपए कैश, और उन्हें 1500 रुपए में से 1 रुपए लगाकर आप दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीत सकते हो। और हमारे व्यूवर्स को दोस्तों 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा पहले डिपॉजिट पे। तो दोस्तों देर ना करिए, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। दोस्तों ये तो कंफर्म्ड हो चुका है कि हम सभी को सितंबर और अक्टूबर के महीने में आईपीएल का बचा हुआ सीजन देखने को मिलेगा, लेकिन बीसीसीआई के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी है फॉरेन प्लेयर्स को लेकर। दोस्तों सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत से फॉरेन प्लेयर्स अनअवेलेबल रहने वाले हैं, और दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो एनओसी देने से भी इनकार कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आईपीएल नहीं खेलने वाला। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ी भी यहां पे आईपीएल मिस करने वाले हैं। और अब गाइस बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी आईपीएल का बचा हुआ सीजन मिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल के आ रही है क्रिक बस के हवाले से, जहाँ पे दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी जो आईपीएल का बचा हुआ सीजन है उसको मिस करने वाले हैं। और अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं तो काफी टीमों को बड़ा झटका लगने वाला है, जिसमें से दोस्तों सबसे पहला नाम आता है आरसीबी की टीम का, वही मुंबई इंडियंस की टीम और सनराइजर हैदराबाद की टीम को भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे आरसीबी की टीम की। आरसीबी की टीम में दोस्तों 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। पहले है दोस्तों काय जमीसन, दूसरे हैं फिन एलन और तीसरे हैं स्कॉट कुगलिगिन। ये 3 खिलाड़ी हैं दोस्तों जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं आरसीबी की टीम में। ऐसे में दोस्तों अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईपीएल का बचा हुआ सीजन मिस करते हैं तो ये तीनों खिलाड़ी दोस्तों बाहर होने वाले हैं, और आरसीबी की टीम को दोस्तों इन तीनों खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट भी जल्द ही ढूंढनी पड़ेगी। अब गाइस हम बात करते हैं कौन से खिलाड़ी यहाँ पे काइल जेमिसन का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो गाइस पहला नाम आता है कार्लोस ब्रैथवेट, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है और जबरदस्त ऑलराउंडर है, और काइल जेमिसन के रिप्लेसमेंट पे दोस्तों ये आरसीबी की टीम में शामिल हो सकते हैं। वही एक और ऑप्शन आरसीबी की टीम के पास शेल्डन कॉटरेल, लेकिन गाइस इनके बहुत ही कम चांसेस है कि आरसीबी की टीम इनको एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पर रखेगी। अब गाइस अगर हम बात करें फिन एलन की रिप्लेसमेंट की, तो गाइस फिन एलन की जो रिप्लेसमेंट है वो गाइस हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी। दोस्तों एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, और फिन एलन की रिप्लेसमेंट के तौर पर ये आरसीबी की टीम में शामिल हो सकते हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है, काइल जेमिसन और फिन एलन का कौन सा खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल होने वाला है? आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। अब गाइस हम बात करें तीसरी बड़ी अपडेट की, ये निकल के आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। तो गाइस यहाँ पे आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजों ने आईपीएल 2021 के बचे हुए सीजन की तैयारी शुरू कर दी है और दोस्तों यूएई में होटल्स के साथ में डिस्कशन शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अपडेट निकल के आ रही है बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई ने दोस्तों यहां पे फॉरेन प्लेयर्स को लेकर बड़ी घोषणा करी है। दोस्तों जुलाई के महीने में बीसीसीआई कंफर्म्ड करने वाली है कि कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे और कौन कौन से प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट की घोषणा की जाएगी। इन सभी बातों का दोस्तों बीसीसीआई जुलाई में होने वाली मीटिंग में डिस्कस करने वाली है। तो गाइस ये आईपीएल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी, आप लोग दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और अगर दोस्तों आपको आरसीबी की टीम की और आईपीएल 2021 की हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जाननी है तो गाइस आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।